दोस्तों आज हम लोग इस गैस स्टोव लाइटर के इनसाइड के हिडन पार्ट्स को देखने वाले हैं, एज वेल एज ये वर्क कैसे करता है ये भी जानने वाले हैं। तो बिना वेस्टिंग टाइम लेट्स डू इट क्रॉस क्रॉस। दोस्तों इसके बैक साइड में एक पुश बटन होता है, जिसे आप पुश करोगे तो एक साउंड सुनाई देगा और इसके फ्रंट में एक चिंगारी निकलता हुआ दिखाई देगा। जब आप इस चिंगारी निकलने वाले पार्ट को टच करके इसके बटन को पुश करोगे तो आपको वार्म फील नहीं होगा, आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जिससे तो ये क्लियर होता है कि ये स्पार्क इलेक्ट्रिसिटी के कारण जनरेट होता है। और इस टाइप के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जो प्रेशर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलिए अब इसे ओपन करके देखते हैं। इसके हैंडल को रोटेट करने पे ये ओपन होता है। जिसे ओपन करने पे हमें फर्स्ट में इसका हैंडल देखने को मिलता है और इसके नीचे जो है इसके पुश बटन के ट्यूब देखने को मिलते हैं, जो इस लाइटर में कुछ इस तरह से अटैच्ड होता है ऊपर, जो आप देख सकते हो। और इसे पुश करने पे कुछ इस तरह से ये पुश होता है। चलिए अब इसके पुश होने वाले पार्ट को बाहर निकालते हैं और देखते हैं ये अंदर से कैसा दिखता है। दोस्तों इसके पुश होने वाले पार्ट कुछ इस तरह के दिखते हैं और इसके ऊपर में आप देख सकते हो स्प्रिंग लगा हुआ है, जो कि इसे नीचे से पुश करने पे कुछ इस तरह से पुश होता है। दोस्तों ये तो रही इसके पुश होने वाली पार्ट, अब रही बात कि ये खट खट की साउंड कैसे क्रिएट करता है। तो इसके अंदर एक और पार्ट होते हैं जो कि पूरा सेटअप मिलकर एक हैमर की तरह वर्क करता है। चलिए इसे बाहर निकालते हैं और देखते हैं ये किस तरह से इसके साथ सेट होता है। ये है इसका अंदर वाला पार्ट और इसके ऊपर वाले पार्ट से कुछ इस तरह से ये सेट होता है और इसे नीचे से पुश करने पे ये साउंड क्रिएट करता है। इसके ऊपर वाले पार्ट के अंदर एक उभरी हुई एज होती है, जिससे पुश बटन के मेटेलिक पार्ट इससे अटका हुआ रहता है। और जब इसके पुश बटन पे फोर्स लगाते हैं तो इस उभरी हुई एज पर भी इस मेटेलिक पार्ट से फोर्स पड़ता है, और ज़्यादा फोर्स पड़ने पर ये इससे स्लिप हो जाते हैं और इस ट्यूब के अंदर क्रिस्टल से सटे हुए मेटेलिक पार्ट को फोर्सफुल्ली हिट करता है, जिससे एक हाई वोल्टेज करंट जनरेट होता है जो 800 वोल्ट तक का हो सकता है। ये सारी पार्ट तो आप एक हैमरिंग करने वाले पार्ट की देखी है, जिसमें यहाँ पे ऊपर में और इसके अंदर में स्प्रिंग लगा हुआ होता है। अगर इसके सभी पार्ट को अलग करें तो ये इतने सारे हैं। अब इसके अंदर के उस पार्ट को देखते हैं जहाँ मेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इसे निकालने के लिए मुझे स्क्रू ड्राइवर या किसी मजबूत चीज़ से ऊपर से पुश करना होगा और जिससे ये बाहर निकल जाएगा। इसे असेंबल भी करना बहुत आसान होता है और यहाँ तक कि आप किसी ख़राब लाइटर को इसे ठीक भी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो भी मिल जाएंगे। अब चलिए इसे बाहर निकालते हैं और देखते हैं ये कैसा दिखता है अंदर से। ये इसे मैंने बाहर निकाल लिया है, आप देख सकते हो ये खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है ऊपर और नीचे से। अब अगर इसकी इस पार्ट की बात करें तो इसमें ऊपर में आप देख सकते हो दो वाशर लगे हुए हैं, जो एक ये दोनों हैं, और नीचे में भी एक वाशर लगा हुआ है। अगर इसकी बॉडी की बात करें तो ये ऊपर में जो है इंसुलेटेड की गई है इसकी बॉडी को, और ये ऊपर वाला पार्ट है जिस पे हैमर हिट करता है, और ये नीचे जहाँ से चिंगारी निकलती है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इससे चिंगारी निकलकर इसकी बॉडी की ओर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि करंट जनरेट होने पे ये पॉजिटिव चार्ज का हो जाता है और इसकी बॉडी जो है नेगेटिव चार्ज की होती है, इसीलिए पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चिंगारी जाता है। अब अगर इसे यहाँ ध्यान से देखो तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। अब इसे खोलते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या सब होता है। ये ऊपर में इसका ये मेटल है जिसपे हैमर हिट करता है, और ये क्रिस्टल से सटे एक प्लेट से सटा हुआ होता है, जो कि उस प्लेट पे हिट करता है और अंदर प्रेशर बनता है। यह है वो प्लेट। चलिए अब इसके क्रिस्टल्स को निकालते हैं और देखते हैं वो कैसा दिखता है। ये इसके इस ट्यूब के अंदर होता है इसका क्रिस्टल्स, और ये आप देख सकते हो एक और प्लेट इसका निकला है, और ये पाउडर जैसा जो आप देख रहे हो यही उसका क्रिस्टल है। चलिए अब इसके क्रिस्टल्स को बाहर निकालते हैं और देखते हैं ये कैसा दिखता है। ये इसी में इसके क्रिस्टल्स भरे हुए होते हैं, और ये वो वाला मेटल है जिससे चिंगारी निकलता है। इसका क्रिस्टल्स के ही कारण मेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो बस दोस्तों इसके अंदर इतना ही पार्ट्स होते हैं और ये वर्क कैसे करता है ये भी आप जान ही गए होंगे। तो अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर से छोड़ कर जाना, और इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इसी तरह के किसी दूसरे चीज़ के इनसाइड के पार्ट्स देखना चाहते हो और वो वर्क कैसे करता है ये भी जानना चाहते हो तो उसका करो मेंशन इन कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में।